वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू बनेगा, डैशबोर्ड में अच्छा खासा काम आते हैं। गैंट चार्ट इन एक्सेल करके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। इस तरीके से होता है, जैसे एमएस प्रोजेक्ट पे नहीं होता डेट वाइज, जी, हाँ, तो इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिएगा, एक्सेल पे इसको बना सकते हैं बड़े आराम से। ये मैं छोटी मोटी चीजें वैसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि इनको मैं इनमें क्लास बर्बाद नहीं करना चाहता इन सब चीजों, क्योंकि वो आप इजीली अवेलेबल है और समझ में आ जाती हैं। बाकी मैं आपको इसका पहला ये जो है अपना डैशबोर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है जी। इसमें तो ज्यादातर मेरे जो आपने अभी बताया था, इसमें ज्यादातर फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, और उसमें कुछ एक वर्ड है जो कि एक दूसरे फॉन्ट में जाके वो चेंज कर देते हैं, आइकन बना देते हैं, शायद उनका ही प्रयोग हो रहा है ना ज्यादा। आइकॉन बना देते हैं, पता नहीं, जैसे कि हाँ मैं दिखा देता हूँ क्या है ये। इसमें मेरे पास ना एक डेटा शीट है, ये शीट वन में मेरा सारा डेटा पड़ा है। बेसिकली ये डेटा है क्या, इसमें मेरे पास रीजन है डिफरेंट डिफरेंट, देन प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर टाइप है, सेल्स पर्सन है, ठीक है जी। फिर इनका 2 साल का डेटा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके, ये 2 साल का फुल डेटा है मेरे पास, ठीक है जी। तो 4 हेडिंग हो गए अपने, रीजन, प्रोडक्ट, कस्टमर टाइप और सेल्स पर्सन, ठीक है। देन फिर आपका होल डेटा है। तो इसमें क्या है कि मैंने पहली चीज फिल्टर इन्हीं पे लगाया है, प्रोडक्ट का हो गया, कस्टमर का हो गया, रीजन का हो गया, और बाकी जो 2 साल का डेटा है उसमें स्टार्टिंग मंथ और एंडिंग मंथ मैंने दे दिया, ठीक है जी। सेल्स पर्सन से ये चार्ट बना दिया, तो ये 3 है, सेल्स पर्सन का अलग नहीं है, इकट्ठे ही है, ये 4 निशानों में दिख रहा है, ठीक है जी। सेल्स पर्सन का उसी में ही है। तो मैंने बेसिकली किया क्या है, इस डेटा में फिल्टर लगाने हैं जैसे, और फिल्टर का मैंने बताया था कि ये जो अपने रेडियो बटन कैसे कंट्रोल करने हैं, ये जो है मेरा ग्रुप बॉक्स है, ठीक है जी, इनका एक सेल लिंक है, सेल लिंक देखेंगे कौन सा है, तो B155 है जैसे प्रोडक्ट के लिए। कस्टमर के लिए देखेंगे कौन सा है, C155 है। इसी तरह जो हमारी नीचे वाली सेल है रीजन के लिए, इसमें होगा A155, ABC155, किसमें, शीट वन में। तो उनका लिंक मैंने कहाँ दिया है, यहाँ पे, ठीक है जी। जो नंबर का वहां रेडियो बटन टिक हो रहा है वो यहाँ पे आ जा रहा है, कौन से नंबर का रेडियो बटन क्लिक हुआ है। अब उससे क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे रीजन, प्रोडक्ट, कस्टमर, मैंने यूनिक करके इनको रख लिया है, ये यूनिक नेम डाल दिए, और सबसे ऊपर इसमें क्या डाल दिया, स्टार। स्टार का मतलब होता ऑल, जो मैंने आपको दिखाया था ना काउंट टिप के अंदर क्राइटेरिया, जी 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 है ना, तो वही क्राइटेरिया है। इसको मैं यहाँ पे पूरी टेबल को, हाँ, पूरी टेबल का डाटा लेता है ना तो, हाँ हाँ। पर आप फिल्टर के लिए देखिए मैंने किया क्या है, मैं क्या करवाने वाला हूँ ना, इस क्राइटेरिया को डालने वाला हूँ समिट में। अगर समिट में मैं स्टार डाल देता हूँ तो पूरा डेटा ले लेता है, जैसे समिट में मैं एक रीजन का वो चूज करके अगर उसमें स्टार डाल दिया तो रीजन का पूरा डेटा ले लेगा, ठीक है जी। क्योंकि डैशबोर्ड में मैंने सब में ऑल का बटन दे रखा है, ठीक है जी। ये तो उसके लिए हो गया, बाकी ग्लू गन्स हो गया, लाइट सेबर हो गया, तो इसके लिए जैसे ही वहां पे चेंज होता है यहाँ पे चेंज होता है, और इसमें से ग्लू गन, लाइट सेबर ये उठा लेता है। इन फील्ड्स को मैंने यूज किया हुआ है समिट के अंदर, ठीक है जी, तो हो गया ऑटोमेटिक। दूसरा वो जो जनवरी फरवरी वाला है ऊपर से डेटा, उसको मैंने कहाँ स्टोर करा रखा है, यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था ड्रॉप डाउन में इस तरह से डेटा नहीं लेता, रो से, कॉलम से लेता है, ठीक है जी। तो कॉलम से फिर मैंने क्या किया हुआ, ड्रॉप डाउन का जो दोनों है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला, उसका सेल लिंक यहां दे रखा है। तो उसके बाद ये इस सेल लिंक से इस पे इंडेक्स फंक्शन लगा रखा है, अगर 1 है तो यहां से उठा के डेट यहां दे देता है, ठीक है जी। इंडेक्स, इंडेक्स फंक्शन है, ठीक है जी, इंडेक्स फंक्शन निकाल के दे देता है यहाँ पे। तो सारे फिल्टर्स तो इस तरह से लगे हुए हैं। अब इनका मैंने क्या किया हुआ है, सम इसमें यूज किया हुआ है,
ठीक है जी, सिंपल सा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, सेल्स पर्सन पहले यूनिक कर लिए मैंने, ठीक है जी। सेल्स पर्सन यहाँ है, यहाँ कहीं भी नहीं है सेल्स पर्सन, यहाँ पे है, क्योंकि इन चारों का डेटा यहाँ पे देख रहे हैं आप, चार कॉलम है जनवरी में दिखा रहा है, तो इसके लिए मुझे कुछ इस तरह से डेटा चाहिए होगा ना चार्ट लगाने के लिए। तो इसमें मैंने क्या जी किया है, जनवरी फरवरी तो मैं नॉर्मली कॉपी करके ले आया हूँ, ठीक है जी, वहां से हेडिंग कॉपी करके यहाँ लगा दी मैंने। देन मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सम इफ का फंक्शन लगा रखा है, ठीक है जी, और जिसमें ये वैल्यूज ले रखी है, समझ आ रहा है ना। जनवरी में फिर ये क्या हो गया, उन फिल्टर्स पे चलने लगा ये डाटा। अब बात ये थी कि मैं यहाँ पे ये डेटा कैसे गेट हो रहा था, सम इफ के थ्रू, जनवरी फरवरी सिंपली, क्योंकि मैं इसे वी लुकअप के थ्रू फॉर्मूला लगा के बहुत लेंदी हो जाता, ये चलता नहीं, तो इसलिए पहले मैंने क्या किया कि सारी सेल्स उतरवा ली इन चारों के खाने में। तब मुझे फाइनली क्या करना था, जनवरी से फरवरी मतलब ये डेटा छाटना था कि जहाँ वो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट में सिलेक्ट हो रहा है उनके बीच का डेटा ही दिखाए खाली। तो मैं सबसे चला गया सबसे नीचे वाली सेल में, एक बार और कॉपी पेस्ट किया मैंने ये सेल्स पर्सन, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें मैंने B170 दे दिया, यानी कि स्टार्टिंग डेट ले ली मैंने यहाँ से, यहाँ मैंने डायरेक्ट ये वाली सेल ले ली, उठा ली, जो कि इंडेक्स से इससे गेट हो रही थी, पहली यहाँ उठा ली। फिर मैंने इधर फॉर्मूला लगाया ई डेट वाला अपना, कि इफ ई डेट 182 मतलब आगे वाली सेल में अगर मैं एक जोड़ूं और वो बड़ा है C170 से, यानी इससे, तो क्या दिखाए, मतलब वो उससे छोटा है तो क्या कर दे, ये जोड़ दे, करने दे, और अगर जो इससे एक्सीड कर जाता है एंड डेट से हमारी, तो क्या कर देता है, ब्लैंक कर देता है। तो अगर यहाँ पे मेरा अगर मैं 5 दे देता हूँ तो ये डेटा हो जाता है मई से शुरुआत, और यहाँ मान लीजिए मैंने कर दिया एंड इसको 1 दिसंबर 8 पे, तो ये यहाँ पे चेक करेगा दिसंबर 8 तक तो चला, बाकी आगे ब्लैंक कर दिया, ठीक है जी, फॉर्मूला लगा हुआ है इधर। देन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिंपली एच लुकअप मारा है हमने, क्या किया एच लुकअप में सेल्स पर्सन को और मंथ नेम, एच लुकअप में क्या फाइंड कर रहा हूँ, BS 182 ये वाला मई को फाइंड कर रहा हूँ, किसमें, सिर्फ ए कॉलम में, A148 से A152 तक में, A183 से A183 ये रहा, नहीं यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा, यहाँ पे मैंने मैच लगाया है, एच लुकअप में जो डेटा है मेरा फुल है, जैसे रो नंबर देते हैं ना, जैसे उसमें कॉलम नंबर देते हैं, कॉलम इंडेक्स 2, कॉलम इंडेक्स 3, तो इस तरह से मैं मैच करवा रहा हूँ रो इंडेक्स, ठीक है जी, कि A83 अपना A148 और 152 में कहाँ है, A148 और 152 में जोन से भी इंडेक्स पे होगा रो इंडेक्स, वो यहाँ जनरेट कर देगा, तो वो रो नंबर मुझे दे देगा, तो उस रो का ये डेटा निकाल देगा, ठीक है जी। सिंपली मैं यहाँ पे जो है 2 भी दे सकता था, पर मैंने एक मैच का फंक्शन यूज किया इधर, ठीक है जी, ये चीज क्लियर है सर, ये मैंने क्या कर रखा है। सर हाँ, मैंने May 8 को फाइंड कराया हुआ है इस डेटा में, मतलब मैं मंथ के बेस पे एच लुकअप कर रहा हूँ, ये डेटा पूरा सिलेक्ट करके मैंने एच लुकअप लगा दिया मंथ का ही, तो जो मंथ का पड़ रहा है उसका पर्टेनिंग डेटा उठा ले रहा है ये यहाँ पे। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पूरे को इसको सिलेक्ट करके एक चार्ट लगा दिया, यहाँ पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर लिया मैंने और एक सिंपली कॉलम चार्ट इंसर्ट की कर दिया,
एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई, डिलीट, इंसर्ट कॉलम। ये क्या दिखा रहा है, कीबा चूबा पता नहीं। ओके पूरा डाटा सर, ले लो सर पहले। हाँ पूरा डाटा ही लेता हूँ, इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा। पूरा डाटा वन कैंसल, वन 24, फुल डेटा आ गया। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट करके कॉलम। हाँ अब लग गया, ठीक है जी। यही चार्ट मैंने वहाँ यूज़ किया हुआ है, बस इसको कट करके मैं उधर ले गया और यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइनिंग कर दी। ठीक है जी। और फिर यहाँ से जैसे जैसे चेंज करता हूँ, पीछे से डेटा चेंज होता है, मेरा चार्ट चेंज होता है। ठीक है जी। वो जो कंट्रोल वाला सिस्टम दिखाया था ना, इसमें फुल्ली फंक्शनल है सारे कंट्रोल के साथ। और अगर आप स्पीडोमीटर जानते हैं, तो स्पीडोमीटर बेसिकली जो चल रहा था मेरा, इसको मैंने परसेंटेज पे यूज कर दिया है। कैसे, एक सिंपल सा फंक्शन लगाया है यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने टोटल सेल ले ली। टोटल सेल कैसे ली, सबको उठा के मतलब ऊपर इसी को ही टोटल कर दिया मैंने, जहाँ मैंने फुल डेटा सम करवाया था, इसको पूरा टोटल कर दिया, या मैं ऊपर से भी टोटल करवा सकता था। देन फिल्टर्ड डेटा, फिल्टर्ड डेटा सम कहाँ से आएगा मेरे को, ये नीचे वाले से, इसका सम करा दिया। देन मैंने एक फॉर्मूला लगाना था, बस क्या लगाया यहाँ पे, ठीक है जी। ये रेड येलो ग्रीन, उसके लिए कि रेड कहाँ पे आना है, 60 पे रेड दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, 60 पे रेड येलो ग्रीन, ये इसके लिए है। और टोटल इसका 200 हो रहा है। देन पॉइंटर कितने पॉइंट का होना चाहिए, ऊपर का जो ये डेटा है ना, इसके बेस पे सारा खेल हो रहा है। तो ये है फॉर्मूला, उसको सिंपली क्या है, परसेंटेज का फॉर्मूला है। ठीक है जी। तो परसेंटेज का फॉर्मूला पे खेल हो रहा है यहाँ पे सारा। इस पूरे को टोटल करें तो 200 मिलेगा आपको। 200 क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ले तो राउंड पूरा रहा है, पर मैंने खेल करना है 1 से लेकर 100 तक खाली। ठीक है जी। तो इसलिए मैं सिर्फ इतने पे कर रहा हूँ, जितना भी परसेंटेज आता है ये मुझे वही दिखा देता है। ठीक है जी। जितना भी डिवीजन परसेंटेज आता है फिल्टर से, ये मुझे वहां दिखा देता है। और यही चीज मैंने वहां पॉपुलेट करा रखी है। वो जो बार है, इसका जो पीछे आपको दिख रहा है 20% जा रहा है, उसका लिंक मैंने ये दे रखा है। ठीक है जी। तो मैं आपको ये डैशबोर्ड दे दूं प्रैक्टिस के लिए। हाँ ये सीट भी मेल कर दिया। हाँ ये मैं आपको दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। और आप आज आपका काम है यही, बैठ के करें आप, क्योंकि टाइम बचा है, इसको बनाने में टाइम लगेगा आपको, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी। इसको समझिए। विनय जी मैं आपको भी बता देता हूँ इसमें हुआ क्या हाँ जी है ना, रिकॉर्डिंग